अभी हाल ही में आप सभी ने एक गंभीर और भयानक खबर सुनी होगी कि इंडिया के फूड आइटम्स का एक्सपोर्ट दूसरे देशों ने बैन किया है। इस पेचीदा विषय पर फॉर्मर चेयरमैन एनएबीएल प्रोफेसर आर के कोटनाला बारीकी से प्रकाश डालेंगे। आज पूरी दुनिया में सबसे अधिक कैंसर पेशेंट इंडिया में ही है। यही नहीं, किडनी और लीवर के पेशेंट भी बहुत ज्यादा है। इन भयानक बीमारियों का मुख्य कारण खाने की चीजों में विषैले पदार्थों का पाया जाना है। अभी हमारे देश के टॉप ब्रांड मसालों पर विदेशों ने बैन लगाया है, क्योंकि इन मसालों में कार्सिनोजेनिक इथाइलिन ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिली है, जो कैंसर पैदा करता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी यूएस के एफडीए द्वारा बासमती चावल हाई आर्सेनिक कंटेंट के चलते प्रतिबंध किया गया था। चीन ने क्वालिटी इश्यूज के चलते इंडियन फिशरीज प्रोडक्ट को बैन कर दिया था। इतना ही नहीं, एक भारतीय कंपनी द्वारा खांसी के सिरप के निर्यात से अक्टूबर 2022 में पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में इसे पीने से लगभग 70 मासूम बच्चों की किडनी फेल होने के कारण मौत हो गई थी। इंडिया के लिए ऐसी भयानक परिस्थिति बार बार क्यों आ रही है? क्या ये जहरीले खाद्य पदार्थ विदेशियों के लिए खतरनाक साबित हुए? तो हम सबका जीवन कितना सुरक्षित है ऐसी विषैली चीजों को खाने से, इसका तो पता ही नहीं, क्योंकि फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करने से पहले इंडिया में उनका हाई लेवल क्वालिटी चेक होता है। फिर भी विदेशी लैब्स की क्वालिटी चेक में हमारे मसाले, चावल, दवाइयां फेल हो जाती हैं। ऐसा क्यों? इससे तो जाहिर होता है कि हमारी टेस्टिंग लैब्स के क्वालिटी सिस्टम में कमी है। हमारे देश में फूड मेडिसिन, टॉक्सिक मटेरियल्स, हैवी मेटल्स इत्यादि की एडवांस टेस्टिंग लैब्स हजारों में हैं, और इनके द्वारा किए गए टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन के लिए इनकी क्वालिटी सिस्टम की जांच या लैब का अक्रेडिटेशन करने वाली प्रमुख संस्थाएं फसाई, एनएबीएल, एनएबीएच, क्यूसीआई इत्यादि जिम्मेवार हैं। यह बड़ा सवाल आता है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के एक्सपोर्टेड आइटम्स की क्वालिटी में ऐसी गिरावट क्यों आई है? फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम की व्यापक समीक्षा और स्ट्रिक्ट नियमों को लागू करने की आवश्यकता है। एक अच्छा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम न केवल संभावित खतरों से कंज्यूमर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है और उपभोक्ता का विश्वास और संतुष्टि बनाए रखता है। क्या आपको मालूम है कि मसालों का एक्सपोर्ट इंडिया से 30,000 करोड़ रुपए का होता है? इस स्थिति में बैन से हमें काफी आर्थिक घाटा होगा। उपभोक्ता विश्वास को बहाल करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स, टेस्टिंग लैब्स और रेगुलेटरी बॉडीज तीनों की ओर से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है। अब तक तो मुमकिन है, जब एक नया यूनिफाइड इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाए जिसके अंदर सभी रेगुलेटरी व अक्रेडिटेशन बॉडीज रखी जाएं, हमें यह कंफर्म करना चाहिए कि क्वालिटी कंट्रोल में ऐसी खामियां दोबारा ना हों, जिससे एक प्रमुख एक्सपोर्टर के रूप में भारत की रेपुटेशन और इकोनॉमिक वेल्थ की रक्षा हो सके। संक्षेप में, कंज्यूमर वेलफेयर, प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिजनेस और किसी देश की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्वालिटी कंट्रोल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह निरंतर इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा देता है, जिससे किसी देश की लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी प्राप्त होती है और पब्लिक की जान को खतरे में न डाला जाए। साइंस वंडर्स ऐसे ही साइंस के टॉपिक्स लाता रहेगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।